तािर गोरा के शो तकल्लुफ में हलीमा आपको आज के शो में बातचीत का आगाज हम यूएई और किगिजिस्तान में पाकिस्तानियों को दरपेश दुश्वारियों के हवाले से करते हैं क्यों यूएई पाकिस्तानियों को वीजे देने के हवाले से रिलक्टेंट है और क्यों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में बिशकी किर्गिजिस्तान से वापस आ रहे हैं इसके अलावा हम इस बात का तजिया लेंगे कि क्यों पाकिस्तान की एजेंसियों ने कश्मीरी शायर अहमद फरहाद को मुबैना तौर पर उठा लिया है इसके साथ साथ इस बात का भी जायजा लेंगे कि ईरान में हेलीकॉप्टर के हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ईरान के वजीर खारजा अमीर अब्दुल्ला और उनके साथियों की हलाकत पर जहाँ ईरान में सोग मनाया जा रहा है वहाँ जश्न मनाने के मनाजर क्यों हैं कि हमारे टोरोंटो में इनकी हिलात पर खुशी का इजहार करते हुए रैलियां क्यों निकाली जा रही हैं तो चलिए आज की गुफ्तु का सिलसिला शुरू करते हैं यू ए से पाकिस्तानियों को वीजे ना मिलने का सिलसिला और उसमें दरपेश मुश्किल के हवाले से क्यों दो हजार चौबीस का साल पाकिस्तानियों के लिए वीजे न मिलने के सिलसिले में भारी है तो ताहि गुरा साहब प्लीज इस पर तबसरा कीजिए जी देखिए जो इतलात है इस साल जनवरी से यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़े देने के सिलसिले में रिलेक्टेंसी का इजहार वाज तौर पर करना शुरू कर दिया है 2023 में भी मुश्किल थी मगर अब वो मुश्किल बढ़ रही हैं और ये गाहे बगाहे यूएई में और गल्फ़ स्टेट्स में होता रहता है मगर इस बार आ, बहुत चौंका देने वाला और बहुत आ, नुमाया तौर पर सिलसिला सामने आ रहा है आप अगर आ, इंटरनेट पे गूगल करें कि क्यों वीज़े नहीं मिल रहे तो बहुत सारे आ, मीडिया आउटलेट्स वजूहत बता रहे हैं मगर इसमें सबसे जो रिसेंट एक आ, वीडियो क्लिप है पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उमर चीमा साहब का है उमर चीमा साहब ने जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म की पाकिस्तान में दुबई या यूएई में जो लोगों को वीज़े नहीं मिल रहे उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उमर चीमा साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से एक अहम नाम है तो अभी उन्होंने यूएई की एम्बेसी से रता कायम किया और उनसे पूछा कि क्यों पाकिस्तानियों को वीज़े मिलने कम हो गए हैं या आलमोस्ट बंद हुए हुए हैं इस वक्त सिचुएशन क्या है तो इस पर जो पाकिस्तान में यूएई एम्बेसी ने उनको बताया उस पर उन्होंने एक अपना व्लॉग किया अपने यूट्यूब चैनल पे और उस पर उन्होंने बातें की वो सोशल मीडिया पे वायरल हैं जो मोटी मोटी बातें उन्होंने भी की जो दूसरे मीडिया आउटलेट्स में भी आ रही हैं वो एक तो अहम बात यह है कि जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं जो हायर करती हैं लोगों को आ, वो कंपनियाँ भी अपने काम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं कर रही इसके नतीजा में स्किल्ड लेबर नहीं पहुंच रही पाकिस्तान से ये आपको और मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में जो आम गरीब लोग हैं जो फारग बैठे हुए हैं उनके पास कोई काम नहीं गुरबत भी है तो उनको ये होता है कि चलो चलो दुबई चलो आपको अगर याद होगा तो पाकिस्तान की दीवारों पे लिखा होता था वही एम्प्लॉयमेंट की जो कंपनियां हैं जिनमें पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व होते हैं वो उनको ले जाते हैं अब देखिए यू में वो ज़माना तब का था जब मैं 20-25 साल पुरानी बात करता हूँ तब लेबर की ज़रूरत थी आज भी जरूरत है मगर अब दुनिया की बहुत सारी कौमें वहाँ पहुँच चुकी हैं फिलिपिनो आ चुके हैं भारतीय पाकिस्तानियों से बड़ी तादाद में हैं श्रीलंकन हैं बांग्लादेशी हैं नेपाली हैं इसके साथ साथ ईस्टर्न यूरोप के ममालिक के लोग आ चुके हैं तो उनके पास अब बहुत चॉइस है तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जिन क्राइटेरिया पे एम्प्लॉयमेंट कंपनियाँ जिनमें पाकिस्तानियों का किरदार होता है वो उनको हायर करती हैं तो वो आ, आ, स्किल लेबल नहीं होती लोग काम करने के वो आदि नहीं होते उनको काम करने की कोई तरबियत नहीं होती तो बस ऐसे ही लेबर से उठाई जाती है आम लोग उठाए जाते हैं पाकिस्तान से उनसे पैसे वैसे लिए जाते हैं आ, वो कंपनियां भी खाती हैं तो जिसके नतीजा में काम का रिजल्ट भी नहीं आता और मसाइल भी पैदा होते हैं अच्छा ये तो है एक बुनियादी मसला मगर इसके साथ साथ जो दूसरे मीडिया आउटलेट बता रहे हैं और उ, मिस्टर उमर चीमा भी बताते हैं और भी कई मसाइल हैं जो बड़े बुनियादी मसाइल हैं एक मसला सबसे बड़ा अहम यह है कि उनको ज़ुबान नहीं आती इसका ज़िक्र उमर चीमा ने भी किया आ, मतलब अंग्रेज़ी ज़ुबान अब जाहिर यू ए में आलमोस्ट दूसरी बड़ी ज़ुबान है अरबी के बाद अच्छा वैसे तो जो इंडियन ज़ुबानें हैं हिंदी हो उर्दू हो वो भी वहाँ बहुत बोली जाती हैं पश्तो बहुत बोली जाती है लेकिन काम करने की जो ज़ुबानें हैं उनमें जाहिर ऑफ़ कोर्स अरबी है फिर अंग्रेजी है और पाकिस्तानी जो अक्सरियत वहाँ पे लेबर क्लास जा रही है उनको ज़ुबान भी ठीक से नहीं आती फिर और बड़े जो यू एम्बेसी के एतराज हैं वो बड़े इम्पॉटेंट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो नमाज के वक्फ़े के लिए जाते हैं ये बहुत लंबा वक्फ़ा करते हैं अब जो भारतीय मुसलमान वहाँ पर काम करते हैं वो इस तरह के वक्फ़े नहीं करते लंबे लंबे वक्फ़े भाई नमाज़ गए नमाज़ पढ़ी पाँच दस मिनट का काम है आ गए ये गायब हो जाते हैं अच्छा उसके साथ साथ फिर वहाँ पर ये सियासत बहुत करते हैं इस तरह की सियासत करते हैं कि जी पी टी आई की सियासत होगी वर्सेज़ नवाज शरीफ की पार्टी के पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आपको और मुझे याद है हम पिछले चंद महीने पहले या शारजा में थे दुबई में थे तो जो पाकिस्तानी ड्राइवर हमें अक्सर मिलते थे तो जो पाकिस्तानी ड्राइवर मिलते थे वो सियासत पर बात करना पसंद करते थे ख़ाम खाई अच्छा वो कोई इमरान ख़ान का हामी है ज़्यादातर इमरान खान के हामी है कुछ वो नवाज शरीफ के हामी है भाई हम वहाँ पर कैनेडा से गए हैं हम वहाँ पे अपने काम गए हैं या सैर तफरी के लिए गए हैं जो मैं ड्राइव कर रहा है वो अपनी जॉब कर रहा है जो मैं ड्राइव करेगा वो आपसे पचास सौ रियाल वट एवर जो भी उसकी रकम बनती है वो वो हम देंगे मगर वो सियासत की बात करने का उनका शौक है जैसे ही उनको महसूस होता है कि हम पाकिस्तानी बैकग्राउंड के हैं मुझे तो ये बात बहुत खिलती थी अच्छा अब वहाँ पर बेकारी भी बढ़ते चले जा रहे हैं बैगर्स भी यानी आपने और मैंने गौर किया कई सालों से हम जा रहे हैं इस बार जब हम गए तो हर चौक पे वो बेकारी थे और वो ज्यादातर पाकिस्तानी बैकग्राउंड के थे यह भी मतलब यूएई के लिए एक एम्बेरसमेंट की बात है इसके साथ साथ यहां तक रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्तान से तल्लक रखने वाली कई लड़कियाँ वहाँ पे जिसम फरोशी प्रोसिक्यूशन का, का काम कर रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ये रुझान बढ़ रहा है भाई हम समझते हैं कि पाकिस्तान में गुरबत है और मसाइल बढ़ गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो फिल्थ है पाकिस्तान का उसको आप दुबई लेकर जाए अच्छा बहुत सारी और बातें हैं आ, जो इनकी इवन छोटी छोटी बातें आपने भी वो वीडियो क्लिप सुना होगा और अखबार की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी जिसमें हती के वो जो आ, उनके हाइजीन के मसले हैं अब मैं समझ सकता हूँ कि ग़रीब गुरबा हैं उनको तनख्वाहें भी कम मिल रही हैं स्किल लेबर भी नहीं है, उनकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसियाँ उनका एक्सप्लॉटेशन भी कर रही हैं एक एक कमरे में आठ आठ दस लोग भी रह रहे हैं वॉशरूम और गसल भी मैसर नहीं हैं तो ज़ाहिर है हर आदमी नहा भी नहीं सकेगा बाकायदगी से और फिर जिस तरह की क्लास को वहाँ भेजा जा रहा है वो बेचारी वैसे ही बहुत अ, साजा की क्लास है पिसे हुए, लोग पिसे हुए, हुए लोग हैं और फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अराउंड द वर्ल्ड अभी हो गया है और मेरा ख्याल है कि मैं बहुत अरसे से कनाडा में रह के भी ये बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान से लोग भेजिए जहाँ जरूरत है दुनिया में अभी भी जरूरत है लोगों की जरूर भेजिए लेकिन कम अज कम ये तो एक ख़ास लेवल पे काम होना चाहिए ना कि जब आप भेजते हैं अपने वर्कर्स को एटलीस्ट आप स्किल्स लोगों में खाब ज़रूर डालिए लेकिन प्रैक्टिकलिटी के खाब जो कि पॉसिबल हों आप उनको तालीम देते हैं इस शर्त के ऊपर कि वो किसी बहुत ही कोई वो अब तालीम का भी स्टैंडर्ड जो है ना बेसिक एजुकेशन मास्टर्स कर लेना आपको आ, आ, जुबान दानी के लिए भी जरूरी है और थोड़ी बहुत इंट्रैक्शन के लिए भी जरूरी है अब आप उसके बात कहें कि आप कोई बहुत हाई क्लास जॉब के लिए मतलब दिमागी तौर के ऊपर लोगों को मैंटली प्रिपेयर करने की भी बहुत जरूरत है जी इसी तरह मतलब वहाँ पर जो एक तो तलीम की कमी है और जो तलीम पाकिस्तान में आपने दुरुस्त दी जाती है वो भी बहुत फेक सी तलीम है बदकस्मती से वो शूर नहीं दे रही आ, फिर पाकिस्तानी नंबर में जितने भी हैं भारतीय उनसे नंबर में दुगने हैं कि जेलों में पाकिस्तानी डबल हैं और भारतीय डबल तादाद में रहने के बावजूद शायद उनसे भी हाफ से कम है जो जेलों में लोग हैं यानी क्राइम्स रेट भी बहुत शदीद है बहुत ज्यादा है फिर ये आपस में लड़ते झगड़ते हैं एम्प्लॉयज के साथ लड़ते झगड़ते हैं जैसा मैंने अभी पीछे कहा कि इनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत होती है फिर बदकस्मती से एक माइंड सेट है जिसको हम जानते हैं मेरा ख्याल है सबसे बड़ा इशू जो है ना इस सिलसिले में आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि माइंड सेट जब तक आपकी तरबियत सेल्फ रिलायंस पे नहीं होगी तब तक आप अपने लिए ना स्किल्स के रस्ते खोलेंगे ना अपनी तरबियत एज अ सोसाइटी करेंगे देखिए एक तो स्किल्ड वर्कर नहीं है दूसरे पढ़े लिखे भी नहीं है जो अक्सरियत वहाँ पे जा रही है और ज्यादा से ज़्यादा उनका लेबर क्लास से काम है लेबर के लिए भी आपको स्किल्ड होना ज़रूरी है फिर जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ड्राइवरी शुरू कर देते हैं बहुत अच्छी बात है अब दुनिया भर में डिलीवरी के बिजनेस भी हैं आप टैक्सी चलाएं ऊबर चलाएं वाट एवर चलाएं लेकिन वो भी एक स्किल्ड काम है ये, ये सब मसाइल हैं वहाँ पे और शदीद मसाइल हैं इसीलिए अब यू ए की सरकार पाकिस्तानियों को वीज़े देने में रिल्कटेंट है बहुत एहतियात कर रही है और मुझे यूँ लगता है कि ये एहतियात वो बहुत अरसे तक करती रहेगी जब तक वहाँ पे बुनियादी तब्दीलियाँ पाकिस्तान में ना आए और फ्रैंकली पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीलियाँ आने का इम्कान नहीं है एक तो वहाँ पर फ़्रस्ट्रेशन है वो लोग निकलना चाहते हैं दूसरा वैसे भी वहाँ पर रवाज है कि जी चलो चलो दुबई चलो वाली बात है कि पता नहीं दुबई पर क्या पहुँच जाएंगे या पाकिस्तान से निकल के कहीं भी पहुँच जाएंगे तो सोने के कोई पत्ते लगे होंगे दरख्तों पर उतार लेंगे तो ये ये सब रुझान जो हैं बहुत ख़तरनाक है पहले अपने आप को बाशूर बनाया जाए स्किलफुल किया जाए तभी बाहर पाकिस्तान से निकला जाए और निकल भी तब सकेंगे अगर इनको कोई पाकिस्तान से बाहर निकलने के वीजे देगा अब इस बात का जायजा लीजिए कि यूएई में पाकिस्तानी डायस्पोरा क्यों यूएई की हुकूमती पॉलिसियों में दखल अंदाजी का शौक रखता है ये बहुत अहम बात है जी ये ये एक अलग से बहुत बड़ा फैक्टर है अब देखिए वहाँ पे धाबी में बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना अब जनाब पाकिस्तान की तरफ से पता नहीं क्यों इस तरह के अतराज़ उठाए जा रहे हैं जी हिंदू मंदिर बना कैसे बनना नहीं चाहिए था भाई यू ए आपके भाप की हकूमत है यू ए आपका मुल्क है यू ए तो अरबों का मुल्क है सो मच सो वो जो जिसको हम रोशन ख्याल आलम दीन समेते थे मिस्टर गामदी वो इतना जाहिल निकला अनबिलीवेबली जाहिल निकला वो शख्स मेरा ये कहना है कि यू ए को सऊदी अरब को सबसे पहले गामदी जैसे लोगों के वीजे बंद करने चाहिए ये हैं भड़काने वाले लोग यानी अब गांधी आम किसी अनपढ़ आदमी को नहीं जैसे है ना गुमराह कर रहा उसके तो फॉलोअर्स नाम निहात पढ़े लिखे लोग हैं वो भी गुमराह हो रहे हैं वो जी अरब नमा पेनसवेला अरब नमा जजीरा है जिसमें सऊदी अरब है यूएई है कतर है बहरीन है ओमान है इसमें किसी किस्म का गैर मुसलमों का आ, कोई जो है वो इबादतगार नहीं बननी चाहिए अगर बने तो ये तमाम मिलत इस्लामिया का फ़र्ज है कर्ज आएगा कर्ज तो छोटी बात वो क्या कर रहा है मौलाना गांधी आदमी आई एम सॉरी ये थर्ड क्लास लोग हैं इतना जाहिल आदमी निकला वो सो मच सो ये कह रहा है कि जनाब वो तो आ, उनको मार देना चाहिए गैर मुसलमानों को वहां रहने नहीं देना चाहिए उनके बच्चों को मार देना चाहिए ये उसके आर्टिकल में लिखा हुआ है इस हद तक अगर मौलाना गामदी जैसा नाम ने हाथ रोशन ख्याल जा सकता तो बाकियों का क्या हाल है अब देखिए वहां पे बारिशें आई थी दिनों इस पे पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पे ये जी कि ये जो बारिशें थी ये असल में अल्लाह का अजाब था क्योंकि इन्होंने वहां पे मंदिर बनने की इजाजत दी थी अब यू ए वाले ये मसला उठा रहे हैं वीजे ना देने के चक्कर में ये कह रहे हैं कि आपकी ये जो पाकिस्तानियों की घटिया सोच है इस घटिया सोच के बाद आपको वीजे वाकई नहीं मिलने चाहिए ये, अ, ये अच्छा, फिर मजहब के रंग को जी बिल्कुल ही मुख्तलिफ नहीं नहीं मजहब के रंग को तो छोड़िए देखिए मसला ये है कि मजहब अरबों का है इस्लाम अरबों का दीन है पाकिस्तानी पता नहीं क्यों उस पर मामे बनते रहते हैं इनको कोई शर्मा या होनी चाहिए अच्छा फिर वो जो आ, मतलब सो मच सो इसराइल के साथ भाई इनकी अब दोस्ती है यू ए वालों की अभी इसराइल की दोस्ती सऊदी अरब के साथ होने वाली थी ये हमास ने टेर्रिज़्म कर दी ईरान की इमा पे ताकि ये दोनों ना मिल बैठे कितना इन्होंने पच्चीस पैंतीस चालीस हज़ार फलस्तनी मासूम मारे जा चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमास एंड स्टुपिडिटी, ना सिर्फ स्टुपिडिटी गलाजत और इनकी गलीज टेर्रिजम की वजह से अच्छा अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी अपना जरूरी समझते हैं अपने आप को ठोंसना अच्छा पाकिस्तानी जो जो पाकिस्तानी वहां पर रह रहा है अरसा दराज से वो भी इस तरह की बातें सोचता है तो ये इनका क्या ख्याल है अरबों को नज़र नहीं आता मैं जब अभी था और आप भी थीं हम सब इकट्ठे थे अभी नवंबर में हम यूएई में थे हम वहाँ के बुक फेयर पे थे शारजा के और वहाँ पे हमने जो शारजा की इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट की किताबें छपी हुई हैं सरकार की किताबें छपी हुई हैं वो हमने किताबें ली लोगों से हम मिले और उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ये कर्ज कौन है ये मुस्लिम ब्रदरहुड वाले वो ये कहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड वाले दुबई के लिए सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है गुजशत हफ्ते किर्गिजिस्तान में किर्गिज मकामी लोगों की इजिप्शियन और पाकिस्तानी लोगों के साथ शदीद लड़ाइयाँ हुई खासतौर पर पाकिस्तानी तलबा तलबात की बड़ी तादाद शदीद खौफ व हरासत का शिकार है इस सिलसिले में नाजरीन को बताइए आखिर ये क्या हो रहा है किर्गिजिस्तान में भी इतफाक से हम कुछ साल रहे हैं उस समाज को भी जानते हैं मैं बात कर रहा हूँ 1996, 98, 97, 98 उन सालों की तब भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर तौर पर मेडिकल में हज़ारों की तादाद में थे अब तो सुना है उससे भी बड़ी तादाद वहाँ पर हो चुकी है हमने पिछले हफ्ते देखा आ, सोशल मीडिया पे टेलीविजन स्क्रीनों पे कि किस तरह वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई क्योंकि जो बताया जाता है कि इजिप्शियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पढ़ते हैं आ, उनकी लड़ाइयाँ हुई अरब स्टूडेंट्स इजप्शन और कुछ और अरब उनकी लड़ाइयाँ बुनियादी तौर पर मुकामी करगीज़ लोगों से हुई जो मुकामी करगीज़ लोगों हैं लोग हैं वहाँ के उन्होंने तो रशियंस को वहाँ रहने नहीं दिया चूँकि वो बहुत मतसर किस्म के वो भी हैं और मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि ये जो अरब स्टूडेंट्स हैं इनके भी मसले कोई काम नहीं होंगे ये भी मतलब कोई बहुत अजीम कल्चर के लोग तो नहीं आई एम सॉरी टू से दिस मुझे ये कहना पड़ेगा अब पाकिस्तानी उसमें वो पाकिस्तानियों का कहना है कि हम खाम का खा बीच में रगड़े गए क्योंकि हम भी ब्राउन स्किन हैं मगर जो इतलात हमें गलीजस्तान से मिल रही हैं कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तरफ से भी ऐसी हरकतें हुई जिन की वजह से वो कर लोकल करगीज़ पर वो हुए उनके साथ लड़ने में खैर मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानियों या इजप्शन की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ वो लोकल करगीज़ भी काफ़ी वालाटाइल किस्म के लोग हैं अच्छा ये अब सारे वालाटाइल लोग हैं मुकामी जो हाँ, जो मुकामी लोग हैं वो भी वालाटाइल हैं और जो जो कॉमें वहाँ पर पढ़ रही हैं अब जाहिर कोई अमरीकी तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ रहा ना कोई कैनेडियन तो नहीं पढ़ रहा ना जिनको दाखिले नहीं मिल रहे चूँकि कम है मेडिकल स्कूल या दूसरे इंजीनियरिंग के स्कूल अरब वर्ल्ड में भी पाकिस्तान में भी इवन सो मच सो अरब वर्ल्ड के अलावा इंडियन स्टूडेंट्स भी एक अच्छी तादाद में वहाँ पर पढ़ते हैं तब भी पढ़ते थे जब हम वहाँ पर रहते थे आज भी पढ़ते हैं जब हम वहाँ से खबरें सुनते हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स भी जाहिर है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तरह ही दिखते हैं हम सब एक ही तरह के हैं एक ही जीन के लोग हैं एक ही डी के लोग हैं उन पर भी ये थोड़ा बहुत प्रेशर आया उनके ख़िलाफ़ भी वायलेंस किया करगीज़ लोगों ने जो इतलात आई मगर उन्होंने पिन पॉइंट करके पाकिस्तानी जो हॉस्टल्स थे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जो हॉस्टल थे उस पर अटैक किया लड़कियाँ भी अब काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी बैकग्राउंड के पढ़ती हैं वहाँ पर तो ये जब ये पिछले हफ्ते तूफ़ान बदतमीज़ मचा तो मैंने देखा सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तानी बच्चे करगिजिस्तान में पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ बच्चे टिकट पर या इंस्टाग्राम पर यह बयानबाजी कर रहे हैं कि देखिए हमारे साथ बुरा हाल है मरियम नवाज शरीफ को शर्म नहीं आती अच्छा मैं सोचने लगा कि ये बच्चे भी उतने ही जाहिल हैं जितने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बाकी कौम है अब वहाँ पे अगर बिशकेक में उनके ऊपर अटैक हो रहा है इसमें मरीम नवाज शीफ का क्या लेना देना मरीम नवाज शरीफ तो पाकिस्तान के एक प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर है उसका पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के साथ तो कोई तल्लक नहीं है अच्छा अब बच्चे वो ये कहना चाह रहे हैं जी कि जो हमारी एम्बेसी है वो काम नहीं कर रही है आफ़कोर्स एम्बेसीज पहली बात तो ये है पूरी दुनिया की जो एम्बैसीज होती हैं वो इतनी एक्टिव नहीं होती बहुत सारे कामों में उनकी राह में बहुत सारी रुकावटें होती हैं उनके उनके अमले की तादाद भी बड़ी महदूद होती है और तीसरा नुमानता हूँ कि ये हड काम चोर भी होती हैं एम्बैसीज़ ये दुनिया भर की एम्बैसीज़ का ये मसला है चलिए वो तीनों चारों चीज़ें लेकिन मुझे याद पड़ता है कि इस हंगामे के चंद घंटे बाद पाकिस्तान के वज़ी अजम शबाज़ शरीफ ने एक ट्वीट दी उसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत कंसर्न हूँ मैंने पाकिस्तान एम्बेसी को कहा है कि फ़ौरी तौर पर एक्शन लें और फिर उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान एम्बैसी ने एक्शन लिया पाकिस्तान ने वहाँ पर कोई कुछ तैयारी भी भेजे कुछ कमर्शियल फ़्लाइट से मुसाफरों को उन बच्चों को तौर पर निकाला शायद अब तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है सात आठ सौ या शायद एक हज़ार स्टूडेंट्स निकाले जा चुके हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद जो है बारह तेरह हज़ार बताई जाती है इवन इंडियन एम्बेसी ने भी वार्न किया अपने इंडियन स्टूडेंट्स को जो वहाँ पर पढ़ते हैं कि भई आप बाहर निकलते हुए एहतियात कीजिए क्योंकि जो हमले करने वाले उनको तो नहीं पता चल रहा कि यह इजिपशन है या पाकिस्तानी है या इंडियन है वो तो सब पे हमले कर रहे हैं चूंकि वो भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी जो मुकामी लोग हैं वो काफ़ी जैसे कहते हैं वायलेंट किस्म के लोग हैं मुझे ये कहना चाहिए बिकॉज आई पर्सनली एक्सपीरियंस दैम तो इस सारी सिचुएशन में करगीज़िस्तान से अब जाहिर है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आ रहे हैं अब पाकिस्तान का सोशल मीडिया ही कह रहा है कि भाई कुछ तो करगीज़ लोगों के भी मसाइल हैं कुछ हम अपने स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्होंने भी कोई ना कोई टुपट हरकतें की होंगी लेकिन मुझे यूँ लगता है जो मैंने अपने आज़ाद सोस से जो कुछ दो चार दोस्त हमारे वहाँ पर अब रह गए हैं उनसे जो चेक किया जानने की कोशिश की तो यही अंदाज़ा हुआ कि ये एक बहुत ही खिचड़ी मचा हुआ मामला है और वहाँ पे लोग अटैक भी कर रहे हैं मुकामी लोग भी अटैक कर रहे हैं जाहिर है ये बच्चे भी परेशान हैं अक्सरियत बच्चों की तो वो बहरहाल ही होती है हंगामा करने वाले बदमाशी करने वाले बच्चे तो कम होते हैं लेकिन वो जो कम होते हैं जिन्होंने बदमाशी की होती है हंगामा किया होता है या कोई ऐसे हालात क्रिएट किए होते हैं उसकी वजह से सफर सबको करना पड़ता है अब देखिए करगिजिस्तान के जो मेडिकल स्कूल हैं वो उनमें भी अब पाकिस्तानी बिजनेसमैनों की अच्छी खासी शराकत दारी है जिस तरह ये लोगों की ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं ना या जैसे ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज की अभी हम दुबई में और यू में बातचीत कर रहे थे इसी तरह इन्होंने देखा कि अगर इस काम में पैसा है तो क्यों ना हम खुद ही अपने स्कूल खोल लें इन्होंने खुद भी स्कूल खोले हुए हैं वहाँ की करगीज़ इंतजामिया के साथ मिल के हिस्सा रख के उनके तो इस तरह की कार्रवाई की हुई हैं और जाहिर है स्टूडेंट्स का आप देख लीजिए कैनेडा में कितना स्टूडेंट आ रहा है एक एक मिलियन साल का स्टूडेंट अभी कुछ साल पहले तक आता रहा और वो कितना बड़ा बजट लाता था बिकॉज उनके जो दाखिले थे वो तीन गुना ज्यादा कैनेडियन शहरी की नस्बत वो एक्सपेंसिस एक्सपेंसिव होते थे तो इसी तरह जो करगीज़ बच्चा होगा जो पढ़ता होगा मेडिकल स्कूल में उसका सो लेट से उसकी अगर आ, महीने की फ़र्ज कीजिए अगर वहाँ पे मैं रफ कह रहा हूँ अगर एक डॉलर होगी फ़र्ज़ कीजिए उसकी आ, खर्चा तो जो फॉरेन स्टूडेंट होगा तो वहाँ पे सुना है पाँच से छः डॉलर यानी पाँच से छः गुना ज़्यादा होगा कुछ कहते हैं कुछ स्कूलों कॉलेजों में दस गुना ज़्यादा था वो इसलिए जाते हैं ये बच्चे इंडिया से पाकिस्तान से नेपाल से अरब वर्ल्ड से वहाँ पढ़ने के लिए चूँकि इनके मुल्कों में मेडिकल स्कूल खास तौर पर और इंजीनियरिंग के स्कूल कॉलेज कम है दाखले कम मिलते हैं आबादी ज़्यादा है तो फिर वो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं या इवन उनके वालदे पैसा उधार लेके अपना घर बेच के जेवरात बेच के इनको भिजवाते हैं फिर ये बेचारे वहाँ प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं तो ये करगिजस्तान में चल रहा है और अभी ये जो हुआ है करगिजस्तान में जाहिर है वहाँ पर प्रोटेस्ट या जो बलवे थे वो काबू कर लिए हैं वहाँ की सरकार ने किसी हद तक मगर जो हमें इतलात मिल रही हैं टेंशनस हैं और बड़ी ज़्यादा कशीदगी पाई जाती है कैम्पस में भी गलियों सड़कों में भी और अब पाकिस्तानी अल्टीमेटली मैक्सिमम की तादाद वापस आना चाहेगी और इवन इंडियन बच्चे भी सोचेंगे कि हम हाँ यही सवाल है अगला इसी से रिलेटेड है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद वापस आ रही है और मज़ीद आना चाहती है तो इससे पाकिस्तान और किर्गिजिस्तान के तल्ल पर क्या असर देखिए पाकिस्तान और करगिजिस्तान के तल्लुत एक अलग मसला है मैं उस पर बाद में आता हूँ पहले ये हम देखते हैं कि करगिजिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा करगिजिस्तान की इकानमी कोई बहुत उमदा इकानमी नहीं है छोटी इकानमी है आ, और काफ़ी डामाडोल है करप्शन वहाँ पर भी बहुत है और उनकी इकॉनमी में टूरिज़म एक है इम, इम्पॉर्टेंट फैक्टर फिर उनकी इकानमी में ये जो स्टूडेंट्स ये जो एजुकेशन टूरिज्म चली आप कह लीजिए या स्टूडेंट्स का आना ये बहुत बड़ा फैक्टर है अब जाहिर है जब स्टूडेंट्स कम होंगे ये पैसे भी खर्च करते हैं रहते हैं तो हॉस्टलों के किराए भी देते हैं तो इकानमी चलती है अब ये स्टूडेंट्स वहाँ से निकलेंगे और भी ये जो वाक़त हुए हैं तुर्की के दूर दूर के मुल्कों के जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो भी इनसिक्योर फील करेंगे तो करेजिस्तान पर इस वाक़े की वजह से काफ़ी बुरा असर पड़ेगा उनकी इकानमी काफ़ी शैटर होगी बुरी तरह अब पाकिस्तान पर यह असर पड़ेगा कि पाकिस्तान के ये बच्चे बाहर गए हुए थे और पढ़ रहे थे चलिए किसी काम में ये लगे हुए थे अपना कैरियर बनाने में बिजी थे अब ये वापस आएंगे तो इनको पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला तो नहीं मिलेगा बिकॉज इनको तो पहले ही नहीं मिल रहा था ये मेरिट पर नहीं आते थे और इतनी सीटें ही नहीं है वहाँ के मेडिकल कॉलेज में कि इनको वहाँ पर दाखिला मिल सकता था पहले भी तो इसीलिए ये बाहर गए थे अब ये वापस आएंगे तो बिल्कुल ये खाली हो जाएंगे और सवाल तो ये भी है क्या इतने डॉक्टर्स की ज़रूरत है अच्छा वो तो एक अलग बहस है मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो अब दस बारह हजार बच्चे वापस आएंगे इसके नतीजा में उस उजबेकिस्तान में कजाकिस्तान में वहाँ पर भी ये असरा पड़ेंगे तुर्कमानिस्तान में वहाँ पर भी असरा पड़ेंगे चूंकि वो भी वहाँ की मुकामी आबादियाँ भी वैसी ही हैं जैसी करगीज़ है अच्छा अब ये टेंशन अगर उधर चली गई तो पाकिस्तान के ये चालीस पचास हजार स्टूडेंट्स हैं अगर इसमें से पंद्रह बीस हजार भी वापस आ गया तो पहले तो ये मसला होगा कि इन बच्चों ने जो पैसे वहाँ पर ज़ाया किए हुए हैं जाहिर इनके वालदेन के पैसे हैं वो इकानमी भी पाकिस्तान की एक इकॉनमी पर यह असर पड़ेगा पहले तो करगीजिस्तान की एक इकानमी तो शटर होगी ही होगी पाकिस्तान की इकॉनमी पर ये असर पड़ेगा फिर ये वेले होके फार होके जब आएंगे तो वो फ्रस्ट्रेट होंगे वहाँ पर आके लड़ेंगे पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टियों का हिस्सा बनेंगे जिसमें से ज़्यादातर तो ये तरीक़ानसाफ़ के ही लोग हैं चूँकि तरीक़ानसाफ़ी ही जवानों में वहाँ पर पापुलर है वो इमरान खान साहब की पार्टी का ही ऐसा मजाज है तो ये और दंगा मुश्ती में पड़ेंगे तो ये पाकिस्तान के इकनॉमिक मसाइल भी बढ़ेंगे और सोशल मिसाइल भी बढ़ेंगे इनके वापस आने से अब इन दोनों मुल्कों के जो आपस के तलक़ात हैं उसके तरफ आते हैं वो ऑलरेडी स्टैंड हो गए हैं इसलिए कि करगिजिस्तान का ये मसला होगा कि भई ये पाकिस्तानियों की वजह से हमारे और स्टूडेंट्स भी आना बंद हो गए हालांकि वो पाकिस्तानियों की वजह नहीं है करगिज सरकार भी पाकिस्तानी सरकार की तरह उन्नीस बीस के फ़र्क के साथ सोचने वाली सरकार है वो भी कोई इतनी समझदार सरकार नहीं है वहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है अब वो भी मतलब ब्लेम गेम खेलने के पाकिस्तान पर पाकिस्तान के जो वजीर खारजा और नायब वज़ी अजम हैं मिस्टर इसहाक उन्होंने पुलिटिकल कंजम्शन के लिए फ़ौरी तौर पर जाने की करगिजिस्तान कोशिश की थी ताकि वहाँ जो उनके ऊपर पोलिटिकल दबाव आया उसको सॉल्व करें तो करगिजिस्तान की सरकार ने उनको आने से रोक दिया उन्होंने कहा नहीं यह बड़ा छोटा मसला है अपरनली उन्होंने यही कहा कि बड़ा छोटा मसला है आप ना आइए हालांकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से और करिजिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी बड़ा मसला है लेकिन बहरहाल इन दोनों के तल्ल भी और स्ट्रेंस होंगे तो ये जो कुछ भी हुआ है ये मैं समझता हूँ कि इसमें मुझे आई हैव टू बी फेयर ये करगिजिस्तान में हुआ है तो ये करगिज़ हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको हैंडल करना डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स तो हमेशा डोमेस्टिक गवर्नमेंट से हल करती हैं ना ये आप बाहर से तो नहीं कर सकते हल इसको लेकिन चलिए अब हम थोड़ा सा वापस आते हैं पाकिस्तान के मसला कश्मीर की तरफ गुजशत हफ़्ते पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर के अंदर शदीद प्रोटेस्ट हुए कई हलाकतें हुई जब आदमी ने फौरी तौर पर रेंजर्स को बुलाया तो हालात का बर आए मगर एक इनकलाबी कश्मीरी शायर अहमद फरहद को मुबैना तौर पर एजेंसीों ने उठा लिया आ, जिसने अगरचे कई साल पहले ही उठाए जाने पर शेर कहे थे पाकिस्तान में एजेंसियाँ इस पॉलिसी पर कब तक अमल पैरा रहेंगी देखिए जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें तो यही दिखता है कि जब तक पाकिस्तान है पाकिस्तान में यही एजेंसियों के उठाने की पॉलिसी बरकरार रहेगी क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ मशरकी पाकिस्तान मुलिका था और उस वक्त ये एक मतदा पाकिस्तान था सो कॉल्ड तो तब ये ज़्यादा कार्रवाइयाँ मशरक़ी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसमें हुआ करती थी लोगों को उठा लिया जाता था तो वो बेचारे उस वक्त पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा थे तो उनके मुकदर में ये उठाया जाना लिखा हुआ था अब उन्होंने तो अपनी जान छुड़ा ली पाकिस्तान से लेकिन अब जो पाकिस्तान रह गया है वो पॉलिसियाँ जो पहले मशर्की पाकिस्तान में नाफज थी वो इस वाले पाकिस्तान में भी अब चलती रही अब सो में सो मैं सख्त बात कहूंगा अगर ये आइंदा किसी मरहले पर आने वाले सालों में पाकिस्तान फर्दर भी ब्रेकडाउन हो जाता है फर्ज कीजिए तो जो भी देश रह जाएगा जो जाहिर है ऐसा ही लगता पंजाब ही होगा उसका नाम ही पाकिस्तान होगा तो उसकी भी यही पॉलिसी रहेगी तो यह पाकिस्तान आ, की आवाम की बदकिस्मती है कि जब तक पाकिस्तान जिस हालत में भी रहेगा पॉलिसी उठाए जाने की वैसी ही रहेगी और इस बात का इजहार अहमद फराद ने अपनी शायरी में वो जो ख़ास तौर पर उनकी गज़ल है उसमें किया है हम उस गज़ल के को दो एक क्लिप भी इस टॉक शो में सुनवा देंगे मैं और भी कई अपने व्लॉग्स में शोज़ में वो वो क्लिप्स उसकी मशहूर गज़ल के सुना चुका हूँ तो वो तो बेचारा अहमद फरहाद ऑलरेडी पशीन कोई कर रहा था वो उस बेचारे ने पशीन कोई क्या करनी है वो भी वही बात कर रहा था जो वो देख रहा था मैं उठा लो असल में मैं फिर कन्फ्यूज हूँ आपको देख के और ये अपनी मर्जी से सोचता है असल में उठाने वाले इतने ज़्यादा मुस्तैद और इतने इतने ज़्यादा वो अपने धुन के पक्के हैं कि ये गजल कभी पुरानी नहीं होती तो ना चाहते हुए मुझे सुनानी पड़ती है ये अपनी मर्जी से सोचता है इसे उठा लो ये अपनी मर्जी से सोचता है इसे उठाने वालों से कुछ जुदा है इसे उठा लो ये अपनी मर्जी से सोचता है इसे उठा लो उठाने वालों से कुछ जुदा है वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था आ, 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 आ। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था ये उनके बारे में पूछता है इसे उठा लो आ, 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 आ। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, था तो उनके ये उनके बारे में पूछता है इसे उठाना चाहिए एक और जुर्ण भी है कि जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे व खिलत जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे व खिलत ये उन सयानों पे हंस रहा है इसे उठा लो इसे उठा लो इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो मगर ये मर्जी से देखता है इसे उठा लो और एक और बड़ा जुर्म है यहां पर कि ये पूछता है कि हमने आमा का मसला क्यों करना साहब माजरत मैं वायद आपसे माजरत कर रहा हूं ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों ये अमने आमा का मसला है ये पूछता है कि हमने आमा का मसला क्यों आधा पाकिस्तान तो इसलिए अंदर है ये हमने आमा का मसला है इसे उठा लो सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर हम तो नहीं हूद का पूछते ना तुमसे सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर ये अपनी हद से गुजर गया है इसे उठा दो बहुत शुक्रिया आपको पता हम हमारे दोस्त सलमान हैदर आ, भी आ, आ, आप टोरंटो में होते हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं आते रहते हैं हमें मिलने के लिए उन उस बेचारे को उठा लिया एक बहुत ही पुख्ता पक्का महजब शायर है उसको उठा लिया उन्होंने और भी कुछ लोगों को उठा लिया था मगर मुझे सलमान हैदर इसलिए कि अहमद फरहाद भी शायर है सलमान हैदर भी शायर है तो इसलिए मैं उन दोनों को मिला रहा हूँ कोई एक नाम नहीं है ये एम ये सलमान हैदर या अहमद फरहाद की बात नहीं है किस किस को नहीं उठाया उन्होंने और जो अहमद फरहाद ने बात की कि जो मुख्तलिफ सोचता है उसको बस उठा ले यह है रवैया उनका राय नहीं अच्छा टॉलरेंस नहीं है और फिर उनका यह ख्याल है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये मसले का हल है मेरा ये मसला है कि ये मसले का हल नहीं है ये मसले का हल नहीं है ये बल्कि मसले को और बिगाड़ने वाली बात है तो पाकिस्तान में ना सिर्फ उठाने की बात है अब तक हजारों बलोच मारे जा चुके हैं दर्जनों महाजर सिंधी मारे जा चुके हैं सैकड़ों पश्तून मारे जा चुके हैं इवन सो मच सो कई पंजाबी मारे जा चुके हैं और हज़ारों लोग लापता हैं अभी भी और फिर जब ये इनमें से कुछ की बाजियाबी होती है तो फिर वो आए बाएँश कर रहे होते हैं तो ये जो इनकी आ, पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसी है जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की आर्मी बनाती है और उसको गवर्न पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई करती है तो ये जो रवैया है शर्मनाक है मगर आपका बुनियादी सवाल था कि क्या ये शर्मनाक रवैया ख़त्म करेंगे मेरा नहीं ख्याल कि ये शर्मनाक रवैया कभी भी ख़त्म करेंगे चूँकि इनको किसी किस्म की शर्मनाक हरकत खत्म करने का शूर ही नहीं है तो ये किरदार जो है ये एजेंसीयों का किरदार है दरअसल चलिए अब हम आ जाते हैं ईरान की तरफ आ, इस बात का जायजा लेते हैं कि ईरान में हेलीकॉप्टर के हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ईरान के वजीर खारजा अमीर अब्दुल्ला और उनके साथियों की हलाकत पर जहां ईरान में शोक मनाया जा रहा है वहीं ईरान में जश्न की कैफियत है तो अब इसके ऊपर आप क्या तबसरा करेंगे देखिए ईरान की जो मलाइत वाली सरकार है ये 1979 से वहाँ पे इम्पोज है और ईरानियों ने इनकलाब का अमल इसलिए शुरू किया था लेफ्ट के लोग थे वो शाह ईरान के खिलाफ जाना चाहते थे उनका ये ख्याल था कि हम Uh, कोई लिबरल डेमोक्रेसी लाएंगे मगर उन्होंने ये जो लेफ़्ट के लोग थे उस पर खुल्क पार्टी थी मैं पुरानी बात कर रहा हूँ नाइनटीन 1978 सेवन नाइनटीन एट उस ज़माने की तो वो जो खुल्क पार्टी थी वो उन्होंने हमाकत की इंतहाई हमाकत की कि मुलाओं के साथ गठ लाइन अपना किया जो जब मुलाओं के साथ आप गठ लाइंस करेंगे तो यही नतीजा निकलेगा जो अब ईरान का हुआ है सबसे पहले जिन्होंने एलाइंस बनाया था मुल्लाओं के साथ उन सब को सूली पर चढ़ाया और सूली पर चढ़ाने में इस शख्स का इब्राहिम रईसी का बड़ा अहम किरदार था ये उस वक्त ईरान की सरकार में प्रोसिक्यूटर हुआ करते थे और एक डेथ कमेटी बनाई थी इमाम खमीनी ने उस वक्त उसमें ये बड़े पेश पेश थे जवान थे मिस्टर रईसी और हज़ारों लोगों की मौत के परवाने इन्होंने जारी किए थे अब देखिए सेवेंटी नाइन से अब तक सरकार जो उनकी रजीम चल रही है ख़मीनी साहब मरे फिर ये खामिनाई साहब आए अब खा, खामिनाई जो हैं इनके ज़माने में भी कई सदर आ चुके हैं अब आ, ये जो सदर थे रईसी ये बहाड लाइनर सदर थे ये एक सॉर्ट sort ऑफ of, इनका ये भी नाम था टॉप लिस्ट में कि अगर खामिनई जी मर गए चूँकि उनकी एटी फाइव ईयर उनकी एज है तो किसी वक्त भी अगर खुदा ने उनको अपने पास बुला लिया तो ये शायद जो आ, मतलब टॉप कंटेस्टेंट थे इनको बनाया जा सकता था तो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आदमी थे इससे पहले जो ईरान के सदर रहे हैं उन सब में गालबन ये सबसे इंपॉर्टेंट आदमी थे तो इसलिए शोक मनाया जा रहा है अब नाइनटीन सेवेंटी नाइन से अब तक आ, वहाँ पे मलाइत है तो इतने सालों में आप देख लीजिए कितने साल बने कुछ फोर्टी फाइव ईयर्स में अब दो तीन नस्लें आ गई हैं तो वो भी अच्छे खासे मुलायत के मानने वाले लोग बन गए मगर ईरानियों की आज भी एक बहुत बड़ी तादाद सेकुलर है मज़हब को वो बहुत कम मानती है या नहीं मानती वो खुशियाँ मना रहे हैं दो बुनियाद पर एक तो यह है कि वो इस मुलाइय से तंग आए हुए हैं, दूसरा ये है कि मिस्टर इब्राहिम रईसी ने आज से समझिए कुछ चालीस साल पहले पचास साल पहले बल्कि अभी हाल ही में ये जो ईरान में ख़वाी के प्रोटेस्ट हो गए थे तब भी इब्राहिम रईसी ने बड़ी हार्ड लाइन्स ली थी तो इन्होंने इतने लोगों को मारा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो खुशियाँ इस वजह से लोग मना रहे हैं ये एक अलग बात है कि हमारा एक पंजाबी का एक्सप्रेशन है मैं हमेशा कहता हूँ कि दुश्मन मरे तो खुशियाँ ना करिए सजना भी मर जाना खैर ये तो एक हमारा गांधी इज़म का एक फ़िलासफ़ी है मगर दुनिया में जो बेचारे सफरर होते हैं जिनके लोग मरे होते हैं जिनकी कौम के हज़ारों लोग मरे होते हैं वो तो फिर जस्टिस चाहते हैं ना उनको जब जस्टिस नहीं मिलता तो फिर जब इस हादसे की सूरत में उनको महसूस होता है कि कुदरत उनको जस्टिस फराम कर रही है तो वो खुशियाँ तो उस की वजह ये जो प्रोसेस प्रोसेस चेंज ऑफ की एक्सपेक्टेशन होती है ये खुशी का बायस होती है जी इसमें मौत या वो जो दुश्मन मरे थे कदीना वसी है ये बात सच भी है लेकिन इसमें पोलिटिकल प्रोसेस और पोलिटिकल सिनारियों के चेंज होना जो है जो लोग लोग होते हैं उनमें यह एक जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी खुशी आती है कि शायद इस बार कुछ पॉजिटिव नतज निकल सकें चलिए अब इस सिलसिले में अब हम आते हैं अपने अपने मुल्क यानी कैनेडा में टोरंटो और उन टोरंटो में रहने वाले वो लोग जो कि इस हलाकत पर खुशी का इजहार करते हुए रैलियाँ निकाल रहे हैं हर चीज़ की रैली यहाँ पर फ़ौर निकलती है तो रानियों और रजीम के ख़िलाफ़ जिस इतने शदीद क्यों हैं यहाँ पे इतने श Under the brutal regime in Iran, Iran is not feeling well. Race, rest in hell. But the supreme loser, the dictator in Iran, Ali Khamenei, we have a message for you. I'm gonna say that. Iran is not feeling well. You're gonna say Khamenei? Iran is not feeling well. Iran is not feeling well. How many go to hell? Iran is not feeling well. How many go to hell? Iran is not feeling well. How many go to hell? Iran is not feeling well. How many go to hell? Iran is not feeling well. How many go to? Feeling well, how many go to hell? देखिए यहाँ पर भी ईरानियों की एक बड़ी तादाद रहती है उनके मोहल्ले हैं जैसे दूसरी कम्यूनिटीज़ के कैनेडा के मुख्त बड़े शहरों में मोहल्ले हैं इसी तरह ईरानियों के मोहल्ले भी हैं और हमारे बहुत सारे ईरानी दोस्त हैं उनकी जो अक्सरीत है वो ईरान की मलाइत रंजीम से बहुत तंग है वो उनको बहुत बुरा भला कहते हैं हमारे अपने एक दोस्त हैं हमारे स्टूडियो में आते हैं सलमान सीमा उनका नाम है आ, वो इस वक्त आ, बहुत एक्टिव हैं वो उन्होंने एक रैली निकाली अभी इसी वीकेंड पे टोरंटो में और सिर्फ उन्होंने नहीं उनके साथ बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो ये काम कर रहे हैं लेकिन सलमान सीमा जो हैं वो बहुत आगे फ्रंट पे हैं उन्होंने ये रैली निकाली अब सवाल ये कि वो क्यों रैलियाँ निकाल रहे हैं सलमान सीमा हों बहुत सारे और दोस्त हों वो बाकायदा दबाव डालते रहते हैं कैनेडियन सरकार पर भी कि भई होश के नाखन लीजिए आप ईरान में जो ह्यूमन राइट्स के वाइलेशन हो रही है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए चूँकि जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार है वो पहले तो बहुत सॉफ्ट थी ईरान के हवाले से उससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर हारपर की कंजर्वेटिव सरकार होती थी उन्होंने तो ईरान की यहाँ पे एम्बेसी बंद कर दी थी वो ज़रा सख्त मौक़ लेने वाले थे लेकिन ट्रूडो साहब बहुत नरम मौक़ लेने वाले थे आ, तो बहरहाल अब सलमान सीमा हों और लोग हों ये सब दबाव डालते रहते हैं और उनका प्रेशर रहता है कि भाई कनाडा की सरकार को कनाडा की समाज को ईरान में होने वाले इंसानी हकूक की ज़्यादियों का इल्म होना चाहिए उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए तो यहाँ पे ख़ुशी का इजहार इन रैलियों में इसलिए किया जा रहा है जो आपने बात की एक तो चेंज चली है जैसे भी आई वो हुई दूसरा एक ब्रूटल और क्रूअल किस्म के लीडर थे मिसर इब्राहिम रईसी उनके जाने पर उनका खुशी मनाना समझ में आता है कि वो ये कहते हैं कि चलिए अगर हमें इंसान इंसाफ नहीं फराम कर सके तो कुदरत ने इंसाफ फराम किया और ये अलग बात है कि आ, इब, इब्राहिम रईसी और अमीर अब्दुल्ला और दूसरे लोगों को से क्रैश के बाद जो वो मर गए हैं उससे ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ईरान के जो वन ऑफ द हाई एंड जर्नल थे मिस्टर सलमानी उसको मिस्टर ट्रंप ने जब वो प्रेसिडेंट थे उनके हुक्म पे मारा था तो तब भी ईरान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ईरान की जो पॉलिसियाँ हैं ये जो मुलायत वाली रंजीम है वो जो उनकी अंधेर नगरी है वो तो जारी रहेगी इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामिनई ने कहा है कि भाई ठीक है मर गए हैं हमें दुख हुआ है लेकिन आपको हम इश्योरेंस देते हैं उन्होंने पूरी कौम को कहा है कि किसी किस्म की कोई तब्दीली ईरान में आप महसूस नहीं करेंगे ईरान वैसे ही चलता रहेगा और यही नज़र आता है कि ईरान वैसे ही चलता रहेगा अब ईरानी बेचारे जो चाहते हैं कि ईरान में तब्दीली आए एक रोशन ख्याल मुख्य दोबारा से बने जैसा कि कभी शाह के ज़माने में था अब दुनिया अगर चाहेगी वेस्टर्न वर्ल्ड अगर ऑन बोर्ड होगी तो वो बन जाएगा कोशें करेंगे तो देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड सच्चे दिल से ऑन बोर्ड होती भी है या नहीं होती या उनको मुलायत ही सूट करेगी इनफैक्ट इनको एक विलन चाहिए असल में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है इसीलिए चलिए अब आखिर में इस बात पर भी तबसरा कर लेते हैं कि ईरान में इतने बड़े हादसे के बाद मिडल ईस्ट ईरान की जो मिडल ईस्ट की तरफ आ, पॉलिसी है उस पर क्या असरा पड़ेंगे या पढ़ेंगे भी या नहीं पढ़ेंगे इस पर थोड़े जी अब भी मैंने बात की कि मुझे नहीं लगता कि ईरान के जो मिडल ईस्ट में जो रवैये हैं वो बदलेंगे वो इसी तरह हमास को हिजबुल्ला को हुतियों को प्रॉक्सी समझ देगा उनकी मदद करता रहेगा सीरिया वहाँ पर यही काम रहेगा हाँ ईरान के जो हैं वसाइल थोड़े से मुतासर हो रहे हैं सेंकशनस लगी उसकी वजह से फ़र्क कुछ पढ़ा है कुछ शायद और पढ़े मगर ईरान अपना तेल चोरी चोरी बेचता रहता है चीन को तो खुल के बेचता है और इधर रूस को भी भेजता रहता था मुझे पता नहीं कितना भेज रहा है रूस पे आजकल खुद सेंक्शन लगी हुई है तो इसलिए रूस का पहला मसला तो ये है कि वो अपना तेल किस तरह बेचे अगर ईरान का तेल वो हासिल करते हैं तो वो एक्स्ट्रा उनके लिए एक बर्डन होगा आ, ब्लैक मार्केट भी तेल की है उसमें भी वेनेजुएला हो ईरान हो अपना तेल बेचते रहते हैं तो ईरान के पास सोर्स ऑफ इनकम तो है आ, वो अब ये आ, मिस्टर रईसी के मर जाने से अमीर अब्दुल्ला के मर जाने से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना ईरान की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा ना ईरान की फॉरेन पॉलिसी पे कोई फ़र्क पड़ेगा अगर रईसी नेक्स्ट पॉसिबल हो सकते थे खाम खामनाई की जगह पे जब भी वो रहलत करेंगे जिस दुनिया से जाएंगे तो इस तरह के वहाँ पे ईरान में आयतुल्ला तो कोई बी सी बैठे हुए हैं कोई भी आ जाएगा उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा ईरान को अगर फ़र्क पड़ेगा तो वही इंटरनेशनल दबाव कितना ईरान पर बढ़ता है उस दबाव को ईरान कितना सह सकता है उसकी इकानमी कितना उसको संभाल पाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट ईरान के अंदर देखिए ये जो पावर कॉरिडोर होती हैं ना चाहे मुलाओं की पावर कोरिडोर होती हो चाहे सियासतदानों की हो चाहे आर्मी जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप आर्मी की वहां की हो वो फिर वहां पे कुत्ता कुत्ते का ही बहरी होता है तो उनके अंदर ही वो एक रिफ्ट चैलेंजेस हाँ रिफ्ट होती है जिससे वो चेंज आती और है और मेरा ख्याल है यही बहुत बड़ी वजूहत है जिनकी वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं तो चलिए आज का बिला तकल्लुफ़ तबसरा करने का बहुत शुक्रिया आज का बिला तकल्लुफ शो ताहिर गुर और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.